हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। हालांकि पिछले एक मंथ से डीसी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही है, छोटी छोटी अपडेट्स ही निकल के आ रही हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिमी ऑल्सन का जो कैरेक्टर है, जो सुपरमैन मूवी में अपियर होने वाला है, उसका फर्स्ट प्रॉपर लुक रिवील करके दिया गया है जेम्स गन की तरफ से। और गाइज, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये फर्स्ट लुक। और आप ऑलरेडी जानते हैं कॉमिक बुक्स में भी जिमी ओल्सन कोई बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है, वो बल्कि थोड़ा सा डॉर्की कैरेक्टर है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुपरमैन का जो ह्यूमन साइड है क्लार्क केंट, उसका जो पब्लिक से कनेक्शन होता है वो जिमी ओल्सन के थ्रू ही होता है। और जिमी ओल्सन ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं यही कहूँगा, जैसे एल्फ्रेड है बैटमैन के लिए, वैसे जिमी ओल्सन है सुपरमैन के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ओवरऑल ये जो लुक है जिमी ओल्सन का, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और उम्मीद करते हैं एक प्रॉपर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिले जिमी ओल्सन के कैरेक्टर की इस मूवी में भी और फ्यूचर की मूवीज़ में भी। क्योंकि गाइज आप जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो था उसमें एक छोटा सा ही परफॉर्मेंस था जिमी ओल्सन का, और वो भी एक डिबेट का टॉपिक है कि वो सच में जिमी ओल्सन था भी कि नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि वो जिमी ओल्सन था, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, वो एक रैंडम एजेंट था जो जिमी ओल्सन का नेम यूज़ कर रहा था। लेकिन जो भी हो, स्क्रीन टाइम उस कैरेक्टर को ज़्यादा नहीं मिला था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। लेकिन डीसी यूनिवर्स में उम्मीद करते हैं कि एक प्रॉपर परफॉर्मेंस का मौका मिले जिमी ओल्सन के कैरेक्टर को। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये जो लुक है जिमी ओल्सन के कैरेक्टर का, ये कैसा लग रहा है। दूसरी अपडेट की बात करें तो मैट रीव्स ने फिर एक बात बोली है कि बैटमैन 2 जो है इसकी स्क्रिप्ट पे अभी भी वर्क चल रहा है। यानी जो फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं स्कूपर्स की तरफ से कि बैटमैन 2 कैंसिल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैट रीव्स ने कई बार ये बात बोली हुई है कि इसकी स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। और आप जानते ही हैं कि बैटमैन का फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा सक्सेस रहा था, तो डेफिनेटली सेकंड पार्ट को ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी फर्स्ट पार्ट से। तो बेटर चीज़ें जो होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो टाइम लेती हैं तैयार होने में, तो इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्क्रिप्ट में। हालांकि नेक्स्ट ईयर के जो अर्ली मंथ्स रहेंगे उसी में फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी बैटमैन 2 की। अच्छा, तीसरी अपडेट की बात करें तो जोकर 2 मूवी जो है इससे रिलेटेड कुछ नई हमको पिक्स देखने को मिली हैं और कुछ नए पोस्टर्स भी रिवील हुए हैं इस मूवी के। अच्छा, जोकर 2 जो गाइज है, इसकी जो एडवांस टिकट सेल है वो स्टार्ट हो जाएगी सेप्टेम्बर 4 से। यानी कि आने वाले कुछ वीक्स में ही हम लोग को जो बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन होने वाला है इस मूवी का, वो हमको मिलने लग जाएगा। और जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आएगी, एक प्रॉपर प्रिडिक्शन हमको मिल जाएगा कि इतना ओपनिंग वीकेंड हो सकता है जोकर 2 का। लेकिन गाइज मैं अभी से आपको बता दूँ, जोकर फर्स्ट की तरह जोकर 2 भी शायद एक स्लो बर्न मूवी रहे। यानी ओपनिंग डिसेंट या गुड होगी, लेकिन बाद में अगर वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो धीरे धीरे करके ये मूवी कलेक्शन करेगी, जैसे जोकर के फर्स्ट पार्ट ने किया था। ओपनिंग अच्छी रही थी लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो मूवी चलती रही थी। तो देखते हैं जोकर 2 की जब एडवांस टिकट सेल स्टार्ट होती हैं तो बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन क्या निकल के आता है इस मूवी का, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।